बड़ी चर्चा है, शुरुआत इसकी हालांकि उत्तर प्रदेश ने अपराधियों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए की। हम आपसे जानना चाहते हैं कि एज अ होम सेक्रेटरी, आप गृह सचिव होने के नाते, आप बुलडोजर को क्राइम से कैसे देखते हैं? देखिए, पूरे प्रदेश में जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम और ऑर्गेनाइज क्राइम, माफियाओं, गुंडे, बदमाशों के खिलाफ जो है, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। पिछले 5 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम हुआ है। अभी 2 दिन पहले ही उनके अध्यक्षता में कैबिनेट के सामने पूरा प्रेजेंटेशन हुआ है। बेसिक इशू यह है कि प्रत्येक दशा में जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, जो क्रिमिनल्स जो अवैध संपत्ति अर्जित करते हैं, गैंग के रूप में काम करके अर्जित करते हैं, उन पर सख्ती से कार्रवाई हो। आपने देखा होगा पिछले 2 साल में तमाम सारे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई, हर माफिया को जेल भेज दिया गया, साथ ही साथ लगभग 2068 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त की है। और जब संपत्ति जब्त करते हैं तो ये भी देखते हैं कि जो निर्माण है वो इलीगल तो नहीं, उस पर भी फिर नोटिस देकर प्रभावी कार्रवाई करते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की गई, जिसको बुलडोजर कहा गया है। तो वो भी एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की गई। लखनऊ में ही जो है ASI के मॉन्यूमेंट के 200 मीटर के अंदर जो है एक 50 करोड़ की बिल्डिंग बना ली गई आवासी, और उस पर माननीय न्यायालय ने भी आदेश दिया और 1 हफ्ते में उसको ध्वस्त कर दिया गया। इसी तरह से जो है अन्य प्रदेश के अन्य हिस्सों में जहाँ बड़े बड़े माफिया और लोग थे, उनके मॉल हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, टोटली इलीगल हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में किसी ने भट्ठा लगा लिया गांव सभा की जमीन पर, इस तरह की पूरी कार्रवाई पर जो प्रभावशाली काम हुआ है वो आगे भी जारी रहेगा। परसों गृह विभाग की समीक्षा में ये कहा गया है, निर्देशित किया गया कि हम 100 दिन, 6 महीने, 2 साल और 5 साल की योजना बनाकर कार्रवाई करें। एक उद्देश्य यह है कि जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, जो एक गुंडे, बदमाश और माफियाओं का क्राइम है, इसको समाप्त किया जाए। हर थाने का टॉप 10 जो भी क्रिमिनल है उस पर प्रभावी कार्रवाई हो, जिससे कि आगे कहीं भी जो है वो किसी भी जनपद में या प्रदेश में अपने कहीं भी घटना न घटित हो। तो ये पूरा एक अभियान चल रहा है। सर, ये बुलडोजर, मैं जहाँ की बात करूँ तो क्राइम क्रिमिनल्स के खिलाफ बुलडोजर कितना प्रभावी रहा है? शुरुआत इसकी उत्तर प्रदेश से हुई, आपने हाल ही में देखा चाहे मध्य प्रदेश, कितना क्रिमिनल्स के, देखिए क्रिमिनल मतलब से लड़ने के लिए फायदा था। क्रिमिनल्स के बारे में ये मैं बता दूं, जेल जाते हैं, फिर भेल पा जाते हैं, फिर जो है क्राइम के एरिया में कहीं ना कहीं जो है उनका वो सामने क्राइम करते हैं, कई बार जो है गैंग के रूप में करते हैं, सामने नहीं आते हैं। तो अगर उनकी वित्तीय जो भी उनके साधन है, जो अवैध अर्जित संपत्ति है, उस पर अगर प्रभाव डाला जाता है और उसको कुट किया जाता है, गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई 1986 से चल रही थी, हर साल मात्र 20 करोड़ रुपए की संपत्ति कुट होती थी, अब 1000 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुट हो रही, तो उसका प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि जब वित्तीय स्रोत किसी भी क्रिमिनल के, उन पर चोट किया जाएगा, उनके परिवार के लोग जो इलीगल संपत्ति अर्जित किए, कार्रवाई की जाएगी, तो उसका प्रभाव पड़ता है। और गैंग के जो मेंबर्स हैं उनकी भी संपत्ति अगर कुट की जाती है तो फिर बिखरता है, और गैंगस्टर्स पर कार्रवाई का एक अच्छा जो है उसका इम्पैक्ट ग्राउंड पर जाता है। लोगों को बताने में क्लियर रहता है कि अगर अवैध संपत्ति अर्जित करोगे तो जेल तो जाओगे ही, संपत्ति भी जो है तुम्हारी कुट हो जाएगी। हम कह सकते हैं कि जो बुलडोजर पॉलिसी है ये क्रिमिनल्स के खिलाफ एक अच्छा प्रभावी रूप से काम कर रही है, और आगे उत्तर प्रदेश में ये जारी। देखिए, जब तक क्राइम फ्री नहीं हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग अभी पूरी जो है कार्रवाई कर पाए हैं। जहाँ जहाँ भी जो भी क्राइम है और क्रिमिनल्स हैं तो उन पर आगे तक कार्रवाई करना, ये हमारा लक्ष्य है। एक और लक्ष्य मुख्यमंत्री जी ने दिया है कि जो भी माफिया, गुंडे, बदमाश, इनके क्रिमिनल हिस्ट्री 30-40 मुकदमे हैं लेकिन कन्विक्शन एक में भी नहीं, ऐसा भी देखा गया। तो अब इस बात पर भी बहुत बल दिया गया। हालांकि उत्तर प्रदेश महिलाओं और बच्चों के कन्विक्शन रेट में पूरे देश में हाईएस्ट स्थान पर है, लेकिन ये जो माफिया और बदमाश है, इन पर जो कन्विक्शन भी हो, इसका भी एक लक्ष्य दिया गया है, जिससे कि इन पर और अधिक प्रभाव पड़ सके। एक बार कन्विक्शन हो जाएगा तो उसका भी फर्क पड़ता है। देखिए, बहुत फर्क पड़ा है लोगों में, आम जन में भाव बना है। फुट पेट्रोलिंग का मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया शाम को कि हर वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर रहे।
इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो है एंटी रोमियो सो कॉल्ड जो टीम गठित करके उस पर कार्रवाई की गई, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत काम किया गया है, लेकिन अभी काफ़ी काम बाकी है और इस काम को मजबूती से आगे बढ़ाया जाए। हम कह सकते हैं कि क्रिमिनल्स का उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं, जीरो टॉलरेंस क्रिमिनल्स के प्रति, जीरो टॉलरेंस। और क्रिमिनल और ये माफिया अलग अलग किस्म के हैं, शराब माफिया है, कोर्ट्स ने कहा है कि शराब माफियाओं पर बहुत सख्ती से कार्रवाई करो, तो हमें न्यायालय का सहयोग मिला है। माइनिंग के माफिया पर सख्ती से कार्रवाई करो, जो नकल के माफिया उन पर सख्ती से कार्रवाई करो, जो मूलभूत माफिया क्रिमिनल्स हैं वो माफिया का सख्ती से कार्रवाई करो। प्रदेश को डकैतों से जो है फ्री किया गया, डकैत फ्री हुआ है प्रदेश को, जो ऑर्गेनाइज्ड किडनैपिंग फॉर रैंसम होता था उससे काफ़ी हद तक जो है समाप्त कर दिया गया है। जो लोग जो है जबरदस्ती पैसा वसूल करते थे कई बड़े शहरों में, अब उसकी शिकायत लगभग नगण्य हो गई, तो इसको तो आगे बढ़ना ही है।